स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी मॉडल अजम्पशंस ली थी जब हमने मॉडल को ज्यूम किया, वो फिक्स इफेक्ट मॉडल था या रैंडम इफेक्ट मॉडल था, तो उसकी कुछ बैकग्राउंड अजम्पशन थी जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन थी द नॉर्मेलिटी अजम्पशन। हम ये देखेंगे कि नॉर्मेलिटी अजम्पशन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं, कैसे डाटा को देख सकते हैं कि वेदर दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल टूल है हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स। सबसे पहले हम रेजिडुअल को डिफाइन करेंगे। रेजिडुअल्स आर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्सेज। तो जो हम डेटा में रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको हम प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स में से जो मॉडल की मदद से प्रेडिक्ट किया जाता है, एस्टिमेटेड मॉडल से जो रिस्पॉन्स आता है, इन दोनों के डिफरेंस लेने से जो क्वांटिटी आती है उसको रेजिडुअल कहा जाता है। The predicted response is calculated from the chosen model after all the unknown model parameters have been estimated from the experimental data. तो predicted response जाहिर है कि मॉडल को एस्टिमेट करने के बाद अवेलेबल होता है जब हम उसके कॉन्स्टेंट कोफिशेंट्स और रिग्रेशन कोफिशेंट्स इन सारी चीजों को एस्टिमेट कर लेते हैं और मॉडल के अंदर पुट करने के बाद दोबारा इनपुट वेरिएबल्स को एंटर करते हैं तो जो नया रिस्पॉन्स हासिल होता है दैट इज कॉल्ड predicted response. How to compute residuals mathematically? तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है जिसमें वाई आई जे माइनस वाई आई जे हैट है। तो वाई आई जे जो है ये आपका ऑब्जर्व रिस्पॉन्स है जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्व किया गया है, एंड वाई आई जे हैट विल कम फ्रॉम मॉडल। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज रेजिजुअल, एंड वाई आई जे हैट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू हैट प्लस टा आई हैट। तो जब हम एस्टिमेट करते हैं मॉडल को तो हम जो कांस्टेंट टर्म है जिसको यहाँ ओवरऑल मीन या म्यू से डिनोट किया गया है इसको भी एस्टिमेट किया जाता है, और जो इफेक्ट है इसको भी एस्टिमेट किया जाता है। इन दोनों की एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास वाई आई जे हैट या प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स हासिल होता है, और हम जानते हैं कि म्यू हैट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड बाई फ्रॉम द सैम्पल डाटा दैट इज वाई डॉट डॉट बार, इट मीन्स ग्रैंड टोटल का मीन जो है वो म्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड टा आई हैट इज एस्टिमेटेड बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ सैम्पल डाटा दैट इज ट्रीटमेंट टोटल का मीन वाई आई डॉट बार माइनस ग्रैंड मीन। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है टा आई हैट। तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचती है वो सिर्फ ट्रीटमेंट मीन का ट्रीटमेंट टोटल का मीन बचता है दैट इज वाई आई डॉट हैट। इट मीन्स के हम वाई आई जे हैट को एस्टिमेट कर सकते हैं जस्ट ट्रीटमेंट मीन से। दस अ रेजिडुअल इज आल्सो कंप्यूटेड बाय वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार। तो ये वाली जो टर्म है जिसमें एस्टिमेटेड वैल्यू यूज होनी थी इसको हम सैंपल डाटा की ट्रीटमेंट मीन से रिप्लेस कर सकते हैं टू कंप्यूट रेजिडुअल। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाएगा और किस तरह पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले ग्राफ में हिस्टोग्राम बनाई गई है, एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो लिया है रेजिडुअल्स, और प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है हमने वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से कुछ बार्स बने हैं, ये कहलाते हैं हिस्टोग्राम। इन बार्स को जब स्मूथ किया गया है एक कर्व की मदद से तो हमें नजर आ रहा है कि ये कर्व जो है इन बार्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है। अगर बार्स की शेप ऐसी हो, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो कि हम उसको नॉर्मल कर्व की तरह की एक कर्व के जरिए स्मूथ कर सकें तो इट मीन्स डेटा फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कर्व बनाई गई है ये दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है वो हमेशा इसी शेप की बनती है, जो एक सिमेट्रिक कर्व है जिनकी दोनों टेल्स सिमेट्रिक हैं और जो बेल शेप्ड है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की कर्व की। तो हमने देखा कि जो हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स है इस एग्जांपल में दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आती है तो फिर हम समझेंगे कि डाटा फॉलोज द नॉर्मेलिटी अजम्पशन। डिस्कशन ऑन रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स आर elements of variation unexplained by the fitted model.
तो रेजिजुअल ज्यादा बड़ा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा लार्ज होने का मतलब यह है कि अनएक्सप्लेन्ड जो वेरिएशन है डाटा के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। आल्सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एरर। तो रेजिजुअल को इन अदर वर्ड्स हम एरर की एक टाइप कह सकते हैं। वन एक्सपेक्ट्स देम टू बी रफली नॉर्मल एंड अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ जीरो एंड सम कॉन्स्टेंट वेरियंस। तो रेजिडुअल्स के लिए या एरर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एरर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट टू इच अदर एंड देयर मीन इज इक्वल टू जीरो एंड दे फॉलो सम कॉन्स्टेंट वेरियंस लाइक सिग्मा स्क्वायर। तो ये कुछ बैकग्राउंड अजम्पशंस हैं जो एरर के ऊपर भी लगाई गई थी और वही अजम्पशंस रेजिडुअल्स भी फॉलो करेंगे। तो रेजिडुअल के लिए भी हम ये अज्यूम करते हैं कि सम ऑफ रेजिडुअल्स या मीन ऑफ रेजिडुअल्स इज इक्वल टू जीरो और दे फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेजिडुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं जो बहुत सारे ग्राफिकल एनालिसिस में भी यूज होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल रिजल्ट्स भी इनसे मदद हमें हेल्प आउट करते हैं एनालिसिस में। तो रेजिडुअल को यूज करते हुए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हिस्टोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ हैं जो रेजिडुअल की मदद से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि रेजिडुअल को मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट करना है और ग्राफिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे टू असेस वेदर द डेटा फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट।